ठीक है सर। रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। चौथे पार्ट में आ गए हैं। चौथे पार्ट में हम बात कर रहे हैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन। मैथमेटिकल कैलकुलेशन जैसे कि हमने यहां पे 20 रखा, यहां पे 30 रखा, मुझे इसको सम करना है। तो सम करने के दो तरीके हैं। पहला कि हम सम का फॉर्मूला लगाएंगे और इसको सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर देंगे। दूसरा हम मैथमेटिकल ऑपरेटर हम लेंगे, यहां पे इसको प्लस और इसको प्लस कर देंगे। दोनों सेम है, तो बोले जैसे प्लस क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी सम का फॉर्मूला है। तो सम का फॉर्मूला आपका इनबिल्ट फॉर्मूला क्या है? इनबिल्ट इनबिल्ट है, मतलब कि इन फ्यूचर में आपके पास जो कैलकुलेशन करनी है उसका फॉर्मूला सम के लिए फॉर्मूला हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, फॉर्मूला हो भी सकता है और फॉर्मूला नहीं भी हो सकता है। तो उस केस में क्या करेंगे, जैसे यहां पे क्वार्टर वन और यहां पे हमारे पास क्वार्टर टू है। क्वार्टर वन में 50 और क्वार्टर टू में 65 सेल है। मुझे ग्रोथ निकालनी, क्या निकालनी है? ग्रोथ। ग्रोथ अब ग्रोथ के लिए एक सिंगल फॉर्मूला नहीं, लेकिन हम मैथमेटिक्स को यूज कर सकते हैं। मैथमेटिक कहता है कि लेटेस्ट माइनस ओल्डेस्ट डिवाइड बाय ओल्डेस्ट। ठीक है, लेकिन एक बताइए, एक चीज और बताइए कि 2 प्लस 2 डिवाइड बाय 2 कितना होगा? सर ये 3 हो जाएगा। जी हाँ, तो कुछ लोग इसको कहते सर 2 होगा। ठीक है ना, और मैं यहां अगर करता हूं कि क्वार्टर 2 माइनस क्वार्टर 1 डिवाइड बाय क्वार्टर 1। ठीक है, अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें प्रॉब्लम ये है कि मैं पहले माइनस करना चाहता हूँ फिर डिवाइड करना चाहता हूँ, बट बोडमास रूल क्या कहता है? फर्स्ट डिवाइड सेकेंड माइनस। तो यहाँ प्रॉब्लम हो गई, तो हम बोडमास रूल के अकॉर्डिंग हम ब्रैकेट ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? तो ब्रैकेट में क्या होगा? सेपरेट हो गया। तो जब भी आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे तो ब्रैकेट का यूज करें। ठीक है, एंटर प्रेस कीजिए, रिजल्ट 30% आ गया। हालांकि परसेंटेज पहले फॉर्मेट पहले से लगा था, वरना 0.30 होता, फिर परसेंटेज लगाते हैं। क्लियर है? तो कितने मैथमेटिकल ऑपरेटर है? तो मैथमेटिकल ऑपरेटर है प्लस, यहाँ पे प्लस माइनस मल्टीप्लाई और ये आ गया आपका डिवाइड एंड पावर। ठीक है, इनका यूज आप कर सकते हैं। तो चलिए इसके रिलेटेड हम एग्जांपल को देखते हैं। जैसे हमने मान लीजिए मेरे पास प्रिंसिपल है, मेरे पास रेट है, मेरे पास टाइम है। प्रिंसिपल 50,000 है, रेट 2% है, 2 नहीं एक काम करता हूँ 7% रखता हूँ, और टाइम जो है वो मान लीजिए 5 साल है। अब मुझे इस पर अमाउंट निकालना, तो हालांकि इसमें अमाउंट के फॉर्मूला एक्सेल में अवेलेबल है, लेकिन उसकी कैलकुलेशन मेरी कैलकुलेशन को मीट नहीं करती, मेरा कैलकुलेशन थोड़ा सा अलग है मान लीजिए। तो मैं कैलकुलेशन कहता है कि अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आर रेट डिवाइड बाय टी। ठीक है, पावर ऑफ टाइम मल्टीप्लाई बाय टी नहीं मान लीजिए एन है, माफ यहाँ एन होगा, माफ कीजिएगा, एन मतलब नंबर ऑफ पेमेंट, यहाँ पे एन होगा। ठीक है, एक एफ कैलकुलेशन। आप बोलोगे सर इतनी लंबी कैलकुलेशन कैसे करेंगे? तो चलिए इसको बीच में तोड़ तोड़ के करें। जब भी आपके पास बड़ी कैलकुलेशन होगी तो उसको तोड़ दीजिएगा। तो हमने यहाँ पे कर दिया 1 प्लस ब्रैकेट के अंदर आर डिवाइड बाय 12, 12 हो गया, एन इक्वल टू 12 हो गया, मतलब कि मंथली है इसलिए 12 हो गया। फिर मैं इक्वल टाइम मल्टीप्लाई बाय 12 आ गया। फिर इन दोनों को क्या करेंगे? पावर में लाएंगे।
और फाइनली पी से मल्टीप्लाई कर दें, रिजल्ट आ गया। ठीक है सर, ठीक है सर। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये तो इतने लंबे फॉर्मूले बनाना, मुझे तो यहाँ एक सेल में चाहिए, तो हम बात करेंगे फॉर्मूला मर्जिंग को। हमने तोड़ के लगाया और सबको इकट्ठा जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे? जैसे मैंने देखा ए लिंक किससे है, इससे लिंक है, ठीक है। फिर इसको देखा ए लिंक किससे है, इन दोनों से। फिर इसको देखा इसमें फॉर्मूला है, तो मैं इसके फॉर्मूला को सिलेक्ट करके कॉपी कर लिया। कॉपी, इक्वल कॉपी नहीं करूं, और जहां पे D12 है मतलब कि इसकी लिंक है, उसके आगे पीछे हमने फॉर्मूले को लगा दिया। फिर यहां पे आते हैं, फिर हम इसको कॉपी करते हैं कंट्रोल सी, और फिर इसके अंदर जहां पे E12 है उसके आगे पीछे E12 का फॉर्मूला लगा लो। फिर इसको करते हैं डिलीट, डिलीट करने से दिक्कत नहीं है। फिर हम यहाँ पे इस फॉर्मूले को लेते हैं कॉपी, और हम यहाँ जो हमारा बी ना F12 है उसके जगह पे उसका फॉर्मूला पेस्ट कर देते हैं। अब इसको करते हैं कॉपी डिलीट, कट करके यहाँ पे रखते हैं। आ गया सर, बहुत बढ़िया सर। एक सेल में लगाते, अब छोटा है इसलिए, बड़े फॉर्मूले में एक सेल में लगाते तो कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाता, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो जाती, तो हमने यहाँ पे इसका यूज किया। इसी को फॉर्मूला मर्जिंग मेथड कहते हैं, और ये मेथड मेरी इजाद की गई है, मैंने इसको 2006 में इजाद किया था। और कोई अगर आप बताता है तो मेरी नकल कर रहा है या मेरी वीडियो को देख रहा है, ठीक है सर। अब इसकी हम बात करते हैं, इस पे प्रैक्टिस की बात करते हैं। तो हम कुछ फॉर्मूलेज आपको भेज रहे हैं जो कि आपको बनाने हैं। जैसे कि पहला पहले फॉर्मूले की बात कर ले, तो इसमें मुझे आई निकालना है। आई क्या है? आई है हमारा पीआरटी, मतलब प्रिंसिपल रेट एंड टाइम। तो हमने प्रिंसिपल को, रेट को और टाइम को मल्टीप्लाई कर लिया, आ गया। फिर आता है P1+RT, ठीक है। तो हमने प्रिंसिपल लिया, मल्टीप्लाई इन द ब्रैकेट 1+ और अगेन ब्रैकेट आर, ठीक है सर। इस तरह से ब्रैकेट सेपरेट कीजिए, इस तरह से बाकी कैलकुलेशन को कर लीजिए। दूसरी प्रैक्टिस शीट में आती है, तो मुझे ये इमेजेस जो आपको दिए हैं ये मुझे निकालना है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि हमने बी मान लिया 20, आई एल मान लिया तो बी 5 हो गया, एल 20 हो गया, और हाइट जो है एच जो है 10 हो गया। अब मुझे वी निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, तो वन इन द सिंपल है, तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो तीनों को आप मल्टीप्लाई इस तरह से कर दो, आ गया रिजल्ट। दूसरा आता है आपके 2+HLV, तो 2 × ब्रैकेट में एल मल्टीप्लाई इन द ब्रैकेट L+B, आ गया सर 500। दूसरा यहाँ कहता है 2LB+BH+HL, तो 2 × हमारा LB हो जाएगा, LB तो तुम ब्रैकेट में देना पड़ेगा, L × B इन द ब्रैकेट प्लस अगेन ब्रैकेट PH, तो बी मल्टीप्लाई बाय H प्लस अगेन ब्रैकेट HL, H मल्टीप्लाई बाय L, ठीक है। और फिर भाई के रिटर्न आ गया जल्द। अब सोचेंगे आप लोग के मन में सवाल उठ सकता है, अगर आपके मन में नहीं उठा तो बाकी लोगों के तो उठता ही है कि सर हम तो एक्सेल सीखने आए थे और आप सिखा रहे हैं मैथमेटिक्स। कॉलेज तो बड़ी मुश्किल से मैथमेटिक्स से पीछा छोड़ा है, अब एक्सेल में आप मैथमेटिक्स डाल दिए,
तो देखिए मैथमेटिक ये जो चीजें बता रहा हूँ उसके दो दो इसकी चीजें हैं जिससे आपको फायदा मिलेगा। पहली चीज ये है कि इन फ्यूचर में आपके पास कुछ ऐसी कैलकुलेशन आ गए, ऐसी कमीशन कैलकुलेशन, कैप रेट की कैलकुलेशन, इंटरेस्ट कैलकुलेशन, कुछ ऐसी कैलकुलेशन आ गए जिसके लिए एक्सेल में फॉर्मूला नहीं है। अगर है भी तो वो आपके हिसाब से नहीं चल रहा है। जैसे प्रॉफिट का फॉर्मूला नहीं है इसके अंदर कि प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो मैथमेटिकल रूल को फॉलो कर लेंगे तो पहले तो हो जाएगी ये प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, ये जरूरी भी है और आएगा भी, आपको यूज भी होगा। दूसरा आप यहाँ पे सीखते हैं अच्छा कि किस तरह से कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि आगे चल के आपके एक फॉर्मूले से तो काम चलेगा नहीं, हमें कई सारे फॉर्मूले डालने पड़ेंगे। तो उस फॉर्मूले को डालने और उसके अंदर जो ब्रैकेट वगैरह यूज करना है उसका हमें प्रैक्टिस हो जाएगा। तो ये फाइल मैं ठीक है आपको सर। अगेन भेज रहा हूं, आप क्या करें इसकी प्रैक्टिस।